प्यारे साथियों आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार एम आर एस स्टडी में तो डियर यहां पे आ, आज की इस सेशंस में हम लोग जो है यहां पे बात करने वाले हैं आपका वाटर डिमांड सोर्सेज और कन्वेंस क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर ये इन्वायरमेंटल चैप्टर का जो है मतलब इन्वामेंटल सब्जेक्ट का ये दो चैप्टर्स हम लोग आज की इस वीडियोस में बात करेंगे सिविल बूस्टर बुक को कंप्लीट डिस्कसन कर रहे हैं तो अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको जो है नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा है ना उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है आपको जो लिंक मिलेगा वहाँ से आप डायरेक्टली जो है ठीक है वहाँ से आप डायरेक्टली उस बुक को परचेज कर सकते हैं उस लिंक के थ्रू तो अपने दोस्तों के साथ उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा है ना और ताकि अगर आपके कोई दोस्त हैं जो परचेज़ करना चाहते हैं तो उन्हें जो है इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है तो ये कई सारे एग्ज़ाम्स के लिए जो है आपका इम्पोर्टेंट होने वाली है तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर डिमांड रिसोर्सेज एंड कन्वीनेंस ये दो चैप्टर जो है उसके थ्रू हम लोग जो है पूरा इन्वायरमेंट वन बाई वन डिस्कस करेंगे बस चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि सारी अब वीडियोज जो है आपको वन बाई वन आपका मिलता रहे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर से आपका यहाँ पे वाटर डिमांड एड्स सोर्सेज एंड कन्वींस जो पहला नेशनल वाटर पॉलिसीज़ था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उन्नीस में अडॉप्ट किया गया था परसेंटेज ऑफ अर्थ सराउंडेड बाय वाटर एज सेवेंटी वन प्रतिशत जो अर्थ है उसके अराउंड जो वाटर है वो कितना प्रतिशत है 71 वन प्रतिशत है डिज़ाइन पीरियड डिज़ाइन पीरियड क्या होता है जो फ्यूचर पीरियड और नंबर ऑफ़ ईयर्स फॉर विच प्रोविजन्स इज मेड फॉर डिज़ाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम उसी को जो है डिज़ाइन पीरियड कहते हैं जैसे अगर बात किया जाए तो वाटर ट्रीटमेंट यूनिट सर्विस रिजर्वायर ओवर हेड और ग्राउंड लेवल का तो ये पंद्रह साल इसका जो है डिज़ाइन पीरियड होता है यानी मिनिमम जो है पंद्रह साल के लिए इसको जो है बनाते हैं ताकि वो पंद्रह साल तक कोई दिक्कत ना हो पंद्रह साल तक उसका जो है आराम से यूज कर सके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पाइप कनेक्शनस टू सेवरल ट्रीटमेंट्स यूनिट्स इसे जो है तीस साल इसका डिज़ाइन पीरियड होता है मतलब तीस ऐसा मतलब बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो तीस साल तक जो है आपका चलता रहे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड कई सारे मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से पॉपुलेशन जो है फोरकास्ट किया जाता है है ना ये आपका ग्राफ है जिसमें बता रहा है ये वाई एक्सेज जो है पॉपुलेशन को बता रहा है और एक्स एक्स जो है आपका टाइम को बता रहा है कि मैंने टाइम के साथ किस तरीके से पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ हो रहा है या टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है क्या हो रहा है क्या इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है किस तरीके के चेंजेस देखने को मिल रहा है वो सारी चीज़ें जो है ग्राफ के थ्रू जो है आपका रिप्रेजेंटेशन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है बात किया जाए आपका मेथड की तो उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है आपका एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड इस मेथड में क्या होता है कि जो एजम्पसन्स होते हैं पॉपुलेशन इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट कांस्टेंट रेट के साथ जो है पॉपुलेशन क्या होता है इंक्रीज़ करता है इट गिव्स लोएस्ट वैल्यू ऑफ फोरकास्टेड जो भी फोरकास्ट करते हैं वो कम से कम मतलब मिनिमम वैल्यू हमें देता है लोएस्ट वैल्यू देता है डिज़ाइन इंजीनियर इन फील्ड एडॉप्ट एवरेज मेथड फोर ओल्ड सिटीज़ लार्ज इस्टेब्लिश सिटीज़ के लिए जो है मेनली ये जो एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड है ये आपका यूजफुल होता है फॉर्मूला होता है पी एन इज इक्वल टू पी नोट प्लस एन एक्स बार। पी एन जो है पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेट्स फ्रॉम प्रजेंट एन जो है नंबर ऑफ डिकेट्स यानी डिकेट्स का मतलब होता है दस साल है न एक डिकेट्स का मतलब दस साल दो डिकेट का मतलब बीस साल है ना तो नंबर ऑफ डिकेट्स है प्रजेंट पॉपुलेशन है ना जो भी प्रेजेंट पॉपुलेशन है पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं और एक बार जो है वो एरिथमेटिक मीन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन नॉन डिकेट्स जो नॉन डिकेट्स था उसमें कितना पॉपुलेशन मीन है इंक्रीज़ का उसे जो है लेकर चलते हैं, मतलब एक एवरेजली कितना इंक्रीज़ हो रहा है उसको जो है लेकर चलते हैं उसके बाद दूसरा मेथड आपका है जियोमेट्रिक इंक्रीज़ मेथड इस मेथड में क्या होता है कि पर डी के परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज ग्रोथ रेट को जो है एज्यूम करते हैं कांस्टेंट के तौर पे और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैनुअल है ऑन वाटर ट्रीटमेंट वो भी जियोमेट्रिक इंक्रीज़ मेथड को ही अडोप्ट करता है मतलब रिकमेंड करता है फॉर न्यू यंगर सिटीज़ एक्सपेंडिंग एट फास्टर रेट उसके लिए ये जो मेथड है ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड वो बेस्ड है सही है और इसे जो है यूनिफॉर्म इंक्रीज़ मेथड के नाम से भी जो है जाना जाता है और ये हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फोरकास्टेड जो है हमें प्रोवाइड करता है फॉर्मूला होता है पी एन इज इक्ल टू पी नोट प्लस पी नोट इन टू वन प्लस आर बाई हंड्रेड का होल पावर एन एन जो है नंबर ऑफ डिकेट्स है पी नोट जो है पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ लास्ट नोन सेंसस आर जो है एवरेज परसेंटेज ग्रोथ रेट पर डी के और आर इज इक्वल टू होता है आर वन प्लस आर टू प्लस डॉट 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 आर एन टू डिवाइडेड बाई एन ठीक है अगला मेथड आपका आता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड और इसी को जो है मेथड ऑफ वेरिंग इंक्रीमेंट कहते हैं इसमें क्या होता है ये बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है उस सिटीज़ के लिए जहाँ पे ओल्ड और न्यू या फिर आ, कोई इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता है किसी एरिया के बारे में कि वो कैसा एरिया है ओल्ड है या न्यू है तो उस कंडीशन में इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ मेथड का यूज़ करके हम लोग जो है पॉपुलेशन का फोरकास्टिंग करते हैं फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं पी एन इज इक्वल टू पी नोट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस वन बाई टू इन वाई यहाँ पे पी नोट जो है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ नॉन डिकेट्स एक्स बार जो है एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नॉन डिकेट्स वाई बार जो है एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज ऑफ नॉन डिकेट्स और एन जो है नंबर ऑफ़ डिकेट्स को रिप्रेजेंट करता है बात किया जाए वाटर डिमांड की तो अकॉर्डिंग टू आई एस दस हज़ार पाँच सौ दो हज़ार बारह के अनुसार आपको जो है एक स्पेसिफ़िकेशन दिया जाता है कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए बात किया जाए डोमेस्टिक वाटर डिमांड की तो वो एक सौ पैंतीस से दो सौ पच्चीस लीटर पर कैपिटा पर डे होना चाहिए एंड फिफ्टी टू सिक्सटी प्रतिशत ऑफ टोटल वाटर कंजम्पशन जो टोटल वाटर कंजम्पशन का फिफ्टी टू सिक्सटी प्रतिशत होता है और डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता है एक द आई एस कोड लेज़ डाउन अ लिमिट ऑन डोमेस्टिक वाटर कंजम्पशन बिटवीन एक सौ पैंतीस से दो सौ पच्चीस एल पी सी डी यानी लीटर पर डे अंडर जनरल कंडीशन एज पर आई एस ग्यारह सौ बहत्तर नाइनटीन नाइनटी थ्री के अनुसार जो मिनिमम डोमेस्टिक वाटर डिमांड है फॉर टाउन विद फुल फ्लसिंग सिस्टम शुड बी टेकन एज टू हंड्रेड एल पी सी डी वाइल इट इज रिड्यूज टू वन थर्टी फाइव एल पी सी डी लेकिन उसको रिड्यूज करके वन थर्टी फाइव एल पी सी डी फॉर इकोनॉमिकल बीकर सेक्शन के लिए और लो इनकम ग्रुप के लिए जो है प्रोवाइड करते हैं लेकिन ये डिपेंड करता है प्रिवेलिंग कंडीशंस के ऊपर लेकिन फुल फ्लशिंग के साथ जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड होता है मिनिमम वो किसी भी टाउन के लिए वो 200 सौ एल पी होता है लेकिन लो इनकम ग्रुप और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिड्यूस करके जो है 135 सौ पैंतीस एल पी जो है लेकर चले जाते हैं बात किया जाए अलग अलग कंपोनेंट्स और डोमेस्टिक वाटर डिमांड की पर कैपिटा पर डे के हिसाब से तो ड्रिंकिंग के लिए पाँच लीटर कुकिंग के लिए पाँच लीटर बाथिंग के लिए पचपन लीटर क्लोथ वाशिंग के लिए ट्वेंटी लीटर यूटेंसिल वाशिंग के लिए दस लीटर हाउस वाशिंग के लिए दस लीटर फ्लसिंग ऑफ वाटर क्लोसेड तीस लीटर टोटल जो है एक सौ पैंतीस एल पी सी डी आपका जो है आता है यानी लीटर पर कैपिटा होता है फॉर एन एवरेज इंडियन टाउन एक एक एवरेज इंडियन टाउन के लिए जो वाटर डिमांड होती है जो वाटर का जो रिक्वायरमेंट होता है इन वेरियस यूजेज़ डोमेस्टिक पर्पस के लिए एक सौ पैंतीस एल पी सी डी इंडस्ट्रियल यूजेज़ के लिए चालीस एल पी सी डी पब्लिक यूज़ के लिए पच्चीस एल पी सी डी फायर डिमांड के लिए पंद्रह एल पी सी डी लॉसेज वेस्ट और थे के लिए 55 पचपन एल पी सी डी टोटल जो है दो सौ सत्तर एल पी सी डी जो है आपका यूज होता है एक एवरेज इंडियन टाउन में रिक्वायर्ड होता है वाटर का अलग अलग पर्पस के बेसिस पे इंस्टीट्यूशनल और कॉमर्शियल वाटर डिमांड बात किया जाए जो कि जनरली कंसिडर किया जाता है ट्वेंटी एल पी स्कूल और कॉलेज में पैंतालीस से एक सौ पैंतीस एल में पैंतालीस एल पी सिनेमा और थिएटर्स में पंद्रह एल पी होटल्स में एक सौ अस्सी एल पी और रेस्टोरेंट्स में सत्तर एल पी फायर डिमांड बात किया जाए तो एक एल पी होता है अगर बात किया जाए कैलकुलेशन की फायर डिमांड का तो क्विचलिंग फार्मूला का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं क्विचलिंग फार्मूला इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू होता है एक तीन हज़ार एक सौ बिरासी गुने रूट पी लीटर पर मिनट जो कि आपका पी जो है पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स में रिप्रेजेंट करता है दूसरा मेथड है कैलकुलेट करने का फायर डिमांड को नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फार्मूला फॉर पॉपुलेशन पॉपुलेशन लेस दैन इक्वल टू टू लैख क्यू इज इक्वल टू फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड थर्टी सेवन गुने रूट पी इंटू वन माइनस पॉइंट जीरो वन इंटू अ स्क्वायर रूट पी लीटर पर मिनट और पॉपुलेशन अगर दो लाख ,00 से ज़्यादा है तो चौवन हजार छ सौ लीटर पर मिनट विद एन एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोविजन्स जो है नौ हज़ार एक सौ टू छत्तीस हज़ार चार सौ लीटर पर मिनट फॉर सेकेंड फायर के लिए फर्स्ट फायर के लिए आपको इतना और एडिशनली अगर सेकेंड फायर है तो उसके लिए जो है नौ हज़ार से छत्तीस हज़ार तक जो है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं वाटर डिमांड फॉर लॉसेज और थेप पंद्रह प्रतिशत ऑफ टोटल डिमांड टोटल डिमांड का पंद्रह प्रतिशत होता है पर कैपिटल डिमांड यानी एल पी सी डी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ सिटी इन लीटर डिवाइडेड बाय तीन सौ पैंसठ गुने डिजाइन पॉपुलेशन कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो कि कैपेसिटी पर कैपेसिटी डिमांड को पहला है साइज ऑफ सिटी क्लाइमेट कंडीशन हैविट ऑफ पीपल यानी टाइप्स ऑफ जेंट्री क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई डेवलपमेंट ऑफ सीवरेज फैसिलिटीज Cost of water and method of charging, pressure in water distribution system and system of supply. Assessment of normal variations maximum hourly demand for peak demand is equal to 2.7 gune average hourly consumption of average day. इज वल टू वन पॉइंट फाइव एवरेज आवरली कन्जम्पन ऑफ मैक्सिमम डे इज़ इक्वल टू वन टू पॉइंट सेवन गुने क्यू बाई ट्वेंटी फोर क्यू जो है एवरेज डेली कन्जम्पन आपका होता है मैक्मम डेली डिमांड इज इक्वल टू वन पॉइंट एट गुने एनअल एवरेज डेली डिमांड मैक्मम आवरली डिमांड इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव गुने एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्मम डे मैक्सिमम वीकली डिमांड वन पॉइंट फोर एवरेज वीकली डिमांड मैक्सिमम मंथली डिमांड इज इक्वल टू वन पॉइंट एट गुने एवरेज मंथली डिमांड और मैक्सिमम सीजनल डिमांड इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री गुने एवरेज सीजनल डिमांड डिजाइन कैपेसिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम कंसिस्टेंट डिमांड मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड और मैक्सिमम आवरली डिमांड जो भी ज़्यादा होगा उसको जो है कंसिस्टेंट डिमांड के तौर पे लेकर चलेंगे जो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है टू कैरी वाटर फ्रॉम सर्विस रिजर्वायर टू वाटर टैप्स शुड बी डिज़ाइन फॉर मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे और कंस्टेंट ड्राफ्ट जो भी ज़्यादा होगा उसको बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे डिज़ाइन लेकर चलते हैं बात किया जाए यूनिट एंड डिज़ाइन पारामीटर और डिज़ाइन पीरियड की तो वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स मैक्सिमम डेली डिमांड के ऊपर डिज़ाइन किया जाता है पंद्रह साल के लिए डिज़ाइन पीरियड मै मेन सप्लाई पाइप्स यानी मेन मेन वाटर मेन्स मैक्सिमम डेली डिमांड के बेसिस पे तीस साल जो है इसका डिज़ाइन पीरियड होता है वेल और ट्यूबवेल जो है मैक्सिमम डेली डिमांड के बेसिस पे डिज़ाइन किया जाता है 30 से 50 साल इसका डिज़ाइन पीरियड होता है डिमांड रिजर्वायर जो होता है एव और ओवरहेड ग्राउंड लेवल आ, वो आपका जो है एवरेज एनुअल डिमांड के बेसिस पे होता है जो कि डिज़ाइन पीरियड आपका 50 साल होता है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो मैक्सिमम आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे और कंस कं, डेंट ड्राफ्ट के बेसिस पे होता है जो कि डिज़ाइन पीरियड इसका तीस साल होता है पीक फैक्टर पीक फैक्टर जो है ये रेशियो होता है मैक्सिमम आवरली डिमांड का टू द एवरेज डेली वाटर डिमांड जो पीक फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है पॉपुलेशन ऑफ सिटी के ऊपर जो कि इन्वर्सली डिपेंड करता है अगर बात किया जाए पॉपुलेशन पचास हजार है तो पीक फैक्टर तीन होगा पचास हज़ार से दो लाख है तो टू पॉइंट फाइव होगा ग्रेटर देन टू लाख है तो दो होगा और फॉर रूलर वाटर सप्लाई के लिए तीन जो है पीक फैक्टर लेकर चलते हैं वेरियस सोर्सेज़ हैं वाटर के फॉर सप्लाई के लिए तो सरफेस वाटर सोर्स जो कि स्ट्रीम और रिवर्स होता है नेचुरल पॉन्ड्स लेक्स इम्पाउंडिंग रिजरवायर्स ग्राउंड वाटर सोर्सेज अगर बात किया जाए तो इनफिल्ट्रेशन गैलरीज स्प्रिंग्स इनफिल्ट्रेशन वेल्स ट्यूब वेल्स वगैरह होता है वेल के बारे में बात किया जाए तो वेल जो है वाटर वेल जो है ये वर्टिकल होल होता है जो कि एक्सकेवेट किया जाता है विलो ग्राउंड सरफेस ताकि जो ग्राउंड का जो वाटर है यानी पानी है उसे बाहर निकाला जा सके तो यहाँ पे आप टाइप देख सकते हो दो टाइप का आपको देखने को मिलेगा एक जो है कैविटी टाइप है और एक आपका जो है स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल जो है आपको देखने को मिलेगा कैविटी टाइप में यहाँ पे वाटर इंटर करता है क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ और ये ऊपर जो है जाता है और इसमें जो है स्ट्रेनर मतलब एक तरीके से फिल्टर जो है लगा हुआ रहता है और वो एक तरीके से फिल्टर होकर जो है पानी ऊपर ग्राउंड पे जो जो भी रिक्वायर्ड है उसके थ्रू जाता है बात किया जाए ट्यूब वेल्स की जो तो जो डिस्चार्ज होता है फ्रॉम वन वेल ये जनरली थ्री टू सिक्स लीटर पर सेकेंड होता है जो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है मैक्सिमम परमिशल वेलोसिटी एव विच मूवमेंट ऑफ सॉयल पार्टिकल टेक्स अलोंग विद वाटर जो वेल्स होते हैं इन विच फ्लोइंग वेलोसिटी लेस दैन क्रिटिकल वेलोसिटी होता है उसको ओपन वेल कहते हैं टू ऑपटेन लार्ज डिस्चार्ज ज़्यादा डिस्चार्ज प्राप्त करने के लिए मैकेनिकली ट्यूबवेल इज़ ड्रिल्ड और बोर्ड डीप है ना मैकेनिकली जो है ट्यूबवेल को बहुत गहराई तक जो है बोरिंग करते हैं ग्राउंड में और इंटरसेप्टिंग वन और मोर वाटर बियरिंग अस्ट्रेटम है ना एक या एक से ज़्यादा वाटर बियरिंग स्ट्रेटम कोई क्या करता है इंटरसेप्ट करता है और उस कंडीशन में जो मैक्सिम डिस्चार्ज मिलता है ट्यूबवेल से वो पचास एल लीटर पर सेकेंड जो है देखने को मिलता है ट्यूबवेल्स इन एलुवियल सॉयल जो डीप ट्यूबवेल्स होते हैं जो कि एक्सकवेट किया जाता है अप टू कंप्लीट डेप्थ ऑफ फर्स्ट परमिएबल लेयर बिटवीन ग्राउंड सरफेस मे वी डीप एज सत्तर से तीन सौ मीटर और टैप मोर दैन वन एक्वीफर है ना एक से ज़्यादा एक्वीफर वहाँ पे जो है टैप किए जाते हैं इस तरीके से किया जाता है बट वेल आर एल्ड एज हाई एज टू हंड्रेड टू टू ट्वेंटी लीटर्स पर सेकेंड जनरली जो एवरेज एल्ड होता है फ्राम अस्टैंडर्ड ट्यूबेल्स का वो चालीस से पैंतालीस लीटर पर सेकेंड होता है डिस्चार्ज ऑफ डीप वेल जो है वह ऑलवेज मोर दैन होता है डिस्चार्ज ऑफ सेलो वेल के जो डायमीटर्स होता है होल का वो पॉइंट सिक्स मीटर होता है अपू सिक्सटी मीटर जो है देव तक देन पॉइंट फाइव सिक्स मीटर होता है विलो सिक्सटी मीटर डेफ्त के बाद जो डायमीटर होता है स्ट्रेनर का वो पॉइंट टू फाइव मीटर जो है होता है सेलो ट्यूबवेल्स uh, के बारे में बात किया जाए तो एक टाइप है ओपन वेल का जो कि एक्सकेवेटेड होता है अप टू सर्टेन डेफ्त जो कि फर्स्ट परमिएबल लेयर तक जो कि बीस से सत्तर मीटर डेफ्त होता है और जो टैपिंग वाटर होता है फ्रॉम वन एक्वीफर मे एल्ड एज हाई पंद्रह से बीस लीटर जो है आपको देखने को मिलता है उससे ज़्यादा नहीं मिलता है यहाँ पे इफ लोकेटेड एट अ प्रॉपर लोकेशन अगर प्रॉपर लोकेशन पे अवेलेबल है तब नहीं सो तो हो सकता है कि इससे भी कम पानी जो है आपको मिले अस्ट्रेनर टाइप दिस वेल कंसिस्ट ऑफ परफोरेटेड पाइप सराउंडिंग बाई अस्ट्रेनर इन द फॉर्म ऑफ वायर मेस किस फॉर्म में वायर मेस के फॉर्म में जो है आपका बना होता है जो डायरेक्शन ऑफ एंट्री ऑफ वाटर ये जो होता है वो रेडियल डायरेक्शन होता है और जो फंक्शन होता है स्ट्रेनर का वो डिक्रीज करता है एंट्री ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन वेल है ना वेल में क्या हो कि जो सॉयल पार्टिकल्स है उसकी एंट्री को रोकता है और जो पानी है बस वही जाए कैविटी टाइप इन इट वाटर इंटर्स थ्रू बेस ऑफ वेल ड्यू टू विच कैविटी इज फॉर्म्ड बिलो बॉटम सरफेस ऑफ वेल वेल के बॉटम सरफेस में कैविटी जो है आपका क्या हो जाता है फॉर्म्ड हो जाता है स्क्रीन टाइप और ग्रेवल पैक टाइप जो डायरेक्शन होता है वाटर इंट्री का टू वेल वो रेडियल हॉरिजॉन्टल और लेमिनार होता है इन इट लेयर ऑफ ग्रेवल्स इज प्रोवाइडेड अलोंग द परमिएबल लेयर्स ओनली दिस पैकिंग रिड्यूज द एंट्री ऑफ सोयल पार्टिकल टू द वेल ओपन कैजन और वेल जो टॉप और बॉटम जो कैजन्स होता है ओपन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इट मे हैव एनी सेप इन प्लेन सर्कुलर रिक्टेंगुलर इट हैज़ अ कटिंग एज इसका कटिंग एज होता है विच इज़ फैब्रिकेटेड एट द साइट साइट पे एंड द फर्स्ट सीगमेंट ऑफ अ अफ्ट बिल्ड ऑन इट जो स्वाइल होता है इन साइड द सेफ्ट इज ड्रेग्ड बाई सुटेबल मीन्स एंड अनदर सीगमेंट एडेड टू इट जो प्रोसेस होता है सिंकिंग का इज कंटिन्यूड टिल इफ रीच्ड डिजायर्ड डेप्थ देन बॉटम इज सील्ड विद कंक्रीट तो उस कंडीशन में वाटर जो है वो जो बॉटम होता है सॉरी बॉटम जो होता है वो आपका कंक्रीट के साथ क्या किया जाता है सील्ड किया जाता है इनटेक स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर जो है यूज किया जाता है कलेक्ट करने के लिए वाटर को फ्रॉम सरफेस सोर्सेज लाइक रिवर लेक रिजर्वायर एंड कन्वेइंग इट फर्दर टू द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दीज स्ट्रक्चर आर कंक्रीट और मिशनरी स्ट्रक्चर ये कंक्रीट या मिशनरी स्ट्रक्चर होता है एंड प्रोवाइड्स रिलेटिव क्लीन वाटर रिलेटिव ली क्लीन वाटर को ये प्रोवाइड करता है विच आर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन है ना पॉल्यूशन से जो है ये फ्री होता है सैंड और ऑब्जेक्शनेबल फ्लोटिंग मटेरियल से ये क्या होता है फ्री होता है मेटेलिक पाइप्स कास्ट आयरन को जो है आयरन पाइप्स कहते हैं दीज पाइप्स यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूटरी मेन्स मैक्सिमम प्रेशर बियरेबल टू कास्ट कास्ट आयरन जो कि सात सौ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है राउट आयरन ये जो है ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज किया जाता है इनसाइड द बिल्डिंग और फॉर सर्विस कनेक्शन स्टील पाइप जो है ये प्रोवाइड किया जाता है फॉर वाटर मेंस पासिंग थ्रू ब्रिज दीज पाइप्स आर मोस्टली यूज फॉर कन्वेइंग रॉ वाटर है ना ये जनरली रॉ वाटर को कैरी करने के लिए जो है या कन्वे करने के लिए जो है स्टील पाइप्स का यूज किया जाता है जो कि ब्रिज के नीचे जो पाइपलाइंस बने होते हैं उसके लिए ये यूज किया जाता है कॉपर पाइप्स कॉपर पाइप जो है ये यूज किया जाता है टू कैरी एसिडिक और अल्कलाइन वाटर एज कॉपर इज हाईली रेजिस्टेंट टू एसिड एंड अल्कली दीज पाइप आर यूज टू कैरी हॉट वाटर ये जो पाइप है ये यूज किया जाता है हॉट वाटर को कैरी करने के लिए भी जिंक पाइप ये जो पाइप है ये कवर करता है जिंक वेटिंग से कवर होता है जो कि गर्बनाइज आयरन पाइप भी होता है ये जो पाइप होता है वो यूज नहीं किया जाता है फॉर एसिडिक और अलकलाइन वाटर के लिए लीड पाइप्स दीज पाइप्स आर यूज फॉर सेनेट्री प्लम्बिंग दीज पाइप्स आर नेवर यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई परपज़ के लिए जो लीड पाइप्स होता है उसका यूज नहीं किया जाता है मेटालिक मेटेलिक पाइप आर और प्री अस्ट्रेस पाइप ये जो पाइप है जनरली डिस्ट्रीब्यूटरी मेंस के लिए यूज किया जाता है दिज पाइप इज रजिस्टिव टू कोरोजन देयर दिस दिज कैन बी यूज फॉर लॉन्गर लाइफ ये जो आर पाइप है या प्री स्ट्रेस पाइप होता है ये लॉन्गर लाइफ के लिए यूजफुल होता है एसबिटोस सीमेंट पाइप ये जो एसबेटोस सीमेंट पाइप है आपका ये हाईली रजिस्टेंट होता है कोरोजन का और इसका यूज किया जाता है एसिडिक वाटर के लिए सिर्फ दीज पाइप्स आर फ्लैक्सीबल एंड रिक्वायर लेस नंबर ऑफ ज्वाइंट और ये फ्लैक्सीबल भी होता है एसबिटोस सीमेंट पाइप और कम नंबर ऑफ जॉइंट की ज़रूरत भी पड़ता है पी वी सी पाइप यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप पीवीसी पाइप यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप दीज पाइप आर लाइटर इन वेट है ना हल्का होता है कैन बी यूज फॉर प्लम्बिंग इन बिल्डिंग बिल्डिंग में प्लम्बिंग के लिए इसको जो है यूज किया जाता है ज्वाइंट इन वाटर सप्लाई पाइपिंग जो ज्वाइंट्स होते हैं वाटर सप्लाई पाइपिंग के पहला है एसपीगोट और सॉकेट ज्वाइंट इसको जो है वेल एस्पिगोट ज्वाइंट भी कहते हैं वेयर एस्पीगोट इंड इज

फ्लैंग्ड ज्वाइंट फ्लैंग्ड ज्वाइंट जो है है होता है वो रिकमेंडेड होता है फॉर टेम्प्ररी वर्क के लिए वेयर पाइप लाइन इज टू बी डिसमेंटल्ड आफ्टर वर्क और टू बी शिफ्टेड कॉलर ज्वाइंट कॉलर ज्वाइंट जो है रिकमेंडेड होता है फॉर ज्वाइनिंग आर सी सी पाइप एंड एसवेटोसिमेंट पाइप फ्लैक्सीबल ज्वाइंट वेयर सेटलमेंट ऑफ पाइप लाइन कैन आकर थ्रेड एड ज्वाइंट रिकमेंडेड होता है फॉर कनेक्टिंग गलवनाइज आयरन पाइप के लिए सिंप्लेक्स ज्वाइंट फॉर ज्वाइनिंग एसवेटोस सीमेंट पाइप बात किया जाए आई एस एगारह सौ बहत्तर नाइनटीन नाइन्टी थ्री कोड के अनुसार जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वाटर सप्लाई ड्रेनेज और सैनिटेशन के लिए और बी आई एस ग्यारह सौ बहत्तर वाटर रिक्वायर्ड पर हेड पर डे एवरेज डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है पाइप टेंस सबसे पहला क्या होता है यहाँ पे आ, ये रिवर से पानी जो है आपका आता है है ना यहाँ से जो है ब्लो ऑफ या ड्रेन वेल्व होता है यहाँ पे जो है गेट वेल्व होता है एयर वेल्वस होता है और ड्रेन वेल्व ये एयर वेल्व है आपके यहाँ पे बात किया जाए सबसे पहला जो है आपका स्लुइस वेल्व जिसको हम लोग जो है गेट वेल्व भी कहते हैं या फिर इसको जो है कई बार सेंट ऑफ वेल्व भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको सेंट ऑफ वेल्व भी कहते हैं दीज वेल्व्स आर प्रोवाइडेड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर through pipe and, and are essential to divide main line into several sections. These valves are usually placed at summits of pressure conducts where pressure is low. They are made up of iron with bronze or stainless steel mounting, they are either solid ways टाइप और डबल डिस्क टाइप दूसरा वेल्व है आपका एयर वेल्व्स। एयर वेल्व को जो है एयर रिलीफ वेल्व्स भी कहते हैं एट एवरी समिट ऑफ पाइप लाइन जो डाउन स्ट्रीम ऑफ स्लुइस वेल्व होता है वहाँ पे एयर वेल्व को जो है हम लोग क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं द मेन फ्लोइंग थ्रू द पाइप लाइन ऑलवेज कैरीज सम एयर विद इट ड्यू टू एक्मुलेसन ऑफ एयर आ बैकवर्ड प्रेशर इज क्रिएटेड विच काउज इज आ ब्लॉक इज टू द फ्लो ऑफ वाटर दिस एयर लेंड टू एक्मुलेट एट द सम्मिट ऑफ पाइपलाइन सो दिस वेल्व इज प्रोवाइडेड एट द सम्मिट टू रिलीज एयर प्रेशर है ना एयर प्रेशर को रिलीज करने के लिए चेक वेल्व और रिफ्लस्क वेल्व या फिर नन रिटर्निंग वेल्व ये जो वेल्व होता है ये प्रोवाइड किया जाता है इन पाइपलाइन लाइन विच ड्रॉज वाटर फ्रॉम द पंप दिज पोजेज सम ऑटोमेटिक डिवाइस विच अलाउ द वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली ये क्या करता है सिर्फ अलाउ करता है कि भाई आप एक ही डायरेक्शन में पानी को जो है फ्लो करवाता है है ना रिटर्निंग को ये क्या करता है रोकता है नॉन रिटर्निंग वेल्व ही होता है है ना कोई पानी चाहे कि एक बार घुस गया और बाहर आए तो भाई ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं होगा स्कोर वेल्व जिसको ब्लो ऑफ वैल्व या ड्रेन वैल्व भी कहते हैं ये सिमिलर होता है स्लिस वेल्व के लेकिन जो फंक्शन होता है वो अलग होता है जो स्कोर वेल्व होता है ये प्रोवाइड किया जाता है एट डेड एंड ऑफ पाइपलाइन जो डेड एंड ऑफ पाइपलाइन होता है वहाँ पे यूज किया जाता है इसका मेन फंक्शन होता है कि टू रिमूव सैंड सेल्ट एसेट्रा फ्रॉम पाइपलाइन पाइपलाइन से रिमूव करना सेल्फ वेल्व और कट ऑफ वेल्व या सेफ्टी वेल्व ये हेल्प करता है इन रेगुलेटिंग द वाटर हैमर प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए फुट वेल्व प्रिवेंट करता है एंट्री डेबरिस इन टू दंपिंग सिस्टम और प्रिवेंट बैक फ्लो बैक फ्लो को भी प्रिवेंट करता है बीव कॉक्स ये यूज किया जाता है इन स्मॉलर साइज टैप्स वेल वेल्वस और बॉल फ्लोएट वेल्ब यूज टू तो मेंटेन कंस्टेंट लेवल इन अ सर्विस रिजर्वायर और एलिवेटेड टैंक बटरफ्लाई वेल्ब ये रेगुलेट और स्टॉप करता है जो स्पेशली लार्ज साइज का जो कंडक्ट होता है उसमें फायर हाइड्रेंट फायर हाइड्रेंट जो है ये एक आउटलेट होता है है ना जो प्रोवाइड किया जाता है इन मेन वाटर लाइन में फोर टैपिंग वाटर इन केस ऑफ फायर के केस में दीज आर यूजली फिटेड ये जनरली जो है फिट किया जाता है ऑन वाटर मीनस पे अबाउट हंड्रेड टू वन फिफ्टी मीटर्स अपार्ट मिनिमम जो वाटर प्रेशर अवेलेबल होता है फॉर फायर हाइड्रेंट के लिए वो दस से पंद्रह न्यूटन पर एम एम स्क्वायर होता है और दस से पंद्रह मीटर ऑफ वाटर हेड होता है फॉर टाइम पीरियड ऑफ फोर टू फाइव आवर्स के लिए कितने के लिए चार से पाँच घंटे के लिए जो हाइड्रेंट होता है मे बी टू टाइप्स होता है एक होता है पोस्ट हाइड्रेंट और एक होता है फ्लस हाइड्रेंट तो पोस्ट हाइड्रेंट प्रोवाइड किया जाता है एवं रोड लेवल और फ्लस हाइड्रेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है विलो द ग्राउंड जो रोड का लेवल होता है उसके नीचे वाटर मीटर वाटर मीटर जो है ये एक डिवाइस है वाई विच क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पार्टिकुलर पॉइंट मेजर किया जाता है डिस्प्लेसमेंट टाइप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर फॉर अ स्मॉल फ्लो के लिए और वेलोसिटी टाइप और इन्फेरेंशियल मीटर ये हाई फ्लो के लिए यूज किया जाता है वाटर मीटर जनरली मेजर किया जाता है क्वांटिटी ऑफ वाटर को इकोनॉमिकल डायमीटर ऑफ पंपिंग मेन्स डी टू पॉइंट नाइन सेवन टू वन पॉइंट टू टू इन टू रूट क्यू डी जो है इकोनॉमिकल डायमीटर जो कि मीटर में होता है और Q जो है डिस्चार्ज टू बी पम्प जो कि मीटर क्यूब पर सेकेंड में होता है तो यहाँ पे आप ये ग्राफ देख सकते हो X एक्सिस पे आपका साइज ऑफ पाइप है और Y एक्सिस पे कॉस्ट है और इसके इकोनॉमिकल डायमीटर और लो कॉस्ट वाली चीज़ें जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिकल डायमीटर भी हो और लो कॉस्ट भी हमें लगे बनाने में ज़्यादा टाइम हमें ना लगे मतलब पूरी अच्छे तरीके से सारी चीजों को सोच समझ के काम किया जाता है ओके okay? अगला चैप्टर है जो कि क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर है तो वेरियस रेगुलेशंस और एक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो कि फॉलो किया जाता है फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सीज एक्ट 1977, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द द इनवामेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लियबिलिटीज़ इंश्योरेंस एक्ट 1991, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल्स जी ओ आई मैनूअल ऑन वाटर सप्लाई एंड ट्रीटमेंट नाइनटीन नाइन्टी मैनुअल इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2000 हज़ार जी ओ ऑफ इंडिया मैनुअल इन ऑन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम 2005 हज़ार पाँच जी ओ आई मैनुअल ऑन सीवेज ट्रीटमेंट नाइनटीन नाइन्टी थ्री जी ओ आई मैनुअल ऑन वाटर डिमांड आई एस ग्यारह सौ बहत्तर नाइनटीन नाइन्टी थ्री वाटर इंप्योरिटीज़ जो है क्लासीफाई किया जाता है जो फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ के साथ बात किया जाए फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स तो इसमें है सस्पेंडेड सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड जो है ये फिजिकल पैरामीटर्स कहलाता है और डिजॉल्व सॉलिड्स जो है वो कंसीडर किया जाता है केमिकल पैरामीटर्स के तौर पे जो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होता है वो नन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड्स होता है ग्रेवी मेट्रिक सस्पेंडेड सॉलिड्स आर कैलकुलेटेड बाय वेइंग देम प्रॉब्लम ऑफ एस एस कम्स ओनली इन सरफेस वाटर नॉट इन ग्राउंड वाटर टोटल सॉलिड्स यानी ऑल सॉलिड्स सस्पेंडेड और डिजॉल्व आर कैलकुलेटेड बाय इवेपोरेटिंग देंगे जो हीटिंग होता है टेम्परेचर का वो एक सौ चार डिग्री सेल्सियस होता है डिजॉल्व सॉलिड डी एस इज इक्वल टू टोटल सॉलिड टी एस माइनस सस्पेंडेड सॉलि एसेस ऑर्गेनिक फ्रैक्शन जो कि छः सौ डिग्री सेल्सियस पे सीओ टू प्लस वाटर प्लस अदर गैसेज जनरेट हो जाता है रिमेनिंग जो सॉलिड्स होता है वो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होता है और फिक्स सॉलिड्स होते हैं फॉर सस्पेंडेड सॉलिड एज पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वो आपका जो है थर्टी पी आपका होता है टर्विडिटी टर्विडिटी जो है नोट डायरेक्ट क्वान्टिटेटिव मेजर्स होता है सस्पेंडेड सॉलिड्स का जो मेज़रमेंट होता है टर्विडिटी का वो किया जाता है आपका टर्विडी रॉड की मदद से जो कि फील्ड मेथड होता है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर से भी किया जाता है जो कि लेबोरेटरी मेथड होता है इसमें क्या होता है इन ग्राउंड वाटर मडी और क्लाउडी अपियरेंस ऑफ क्ले और सच टाइप ऑफ अदर पार्टिकल्स डेट प्रेजेंट हिंड्रेंस टू द पाथ ऑफ लाइट वो मेजर किया जाता है आपका जैक्सन टर्विडिटी मीटर से टर्विडिटी रॉ वाटर ऑफ नेचुरल सोर्स आर टर्विडिटी ग्रेटर दैन ट्वेंटी फाइव पी पी एम जो वैलिस और नेफ्लोमीटर टर्विडिटी मीटर्स होता है वो बेस्ड होता है कलर मैचिंग टेक्निक के बेसिस पे और ये मोस्टली यूज किया जाता है फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए इन वैल इज टर्बिडिटी मीटर जो लाइट इंटेंसिटी होता है वो मेजर किया जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ओनली बट इन नेफ्लोमीटर लाइट इंटेंसिटी इज मेजर्ड एट राइट एंगल्स टू द इंसिडेंट रे जो टर्विडिटी होता है इन विच वन मिलीग्राम ऑफ फाइनली डिवाइडेड सिलिका प्रोड्यूज इन वन लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज टेकन एज वन यूनिट एक यूनिट के तौर पे लेकर चला जाता है बात किया जाए जी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल गिवस टर्विडिटी इन नेफ्लोमीटर टर्विडिटी यूनिट जो एक्सेप्टेबल लिमिट होता है वो वन होता है काउज ऑफ रिजेक्शन जो है पाँच होता है अकॉर्डिंग टू आई एस दस हजार सौ के अनुसार कलर कलर इन वाटर जनरली ड्यू टू डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर्स के कारण से होता है फ्रॉम डी वेजिटेशंस और सम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक एज कलर्ड सॉयल आफ्टर सस्पेंडेड मैटर जो काउजिंग कलर को रिमूव करता है बाय सेंटी सेंट्रीफ्यूगेशन द कलर ऑप्टेंड इज कॉल्ड ट्रू कलर जो कलर ऑप्टेंड किया जाता है वो ट्रू कलर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि कैरी करता है कलर को में प्रोड्यूज क्लोराइड डिमांड वाटर कंटेनिंग ऑक्सीडाइज्ड आयरन और मैगनीज गिव कैरेक्टरिस्टिक रेडिस और ब्लैक कलर जो मेजरमेंट होता है कलर का इज डन बाय कलर मैचिंग टेक्निक जो कि टिंटोमीटर होता है टीसीयू यानी ट्रू कलर यूनिट वन टीसीयू जो होता है वो इक्वल होता है कलर प्रोड्यूस्ड बाय वन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ प्लेटिनम इन द फॉर्म ऑफ क्लोरो प्लेंटिनेट आयन एक्सेप्टेबल लिमिट इज़ फाइव टी सी यू और काउ ऑफ रिजेक्शन जो है पंद्रह टी सी यू होता है जो कि आई एस कोड दस हजार पाँच सौ दो हज़ार बारह के अनुसार होता है टेस्ट एंड ऑर्डर जो ऑर्डर होता है वो मेजर किया जाता है बाई इंस्ट्रूमेंट जिसको ओसमो स्कोप कहते हैं टेस्ट और ऑर्डर जो है वो काउज करता है डिजॉल्व गैसेस के कारण से एल्गी सेक्रेट्स ऑली सब्सटेंस विच में रिजल्ट इन बैड टेस्ट जो इंटेंसिटी होता है टेस्ट और ऑर्डर का वो मेजर किया जाता है थ्री सोल्ड ऑर्डर नंबर यानी टी ओ एन और ये रिप्रेजेंट करता है डाइल्यूशन रेशियो को एट विच ऑर्डर इज़ हार्डली डिटेक्टेबल टी ओ एन जो है अलाउ करता है वन टू थ्री टी ओ एन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई ए जहाँ पे ए जो है मिलीलीटर होता है इन वॉल्यूम ऑफ ऑर्डरस वाटर बी जो है वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर फ्री वाटर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूज मिक्सचर्स इन विच ऑर्डर इज हार्डली डिटेक्टेबल जो ऑस्मोस्कोप होता है वो ग्रेजुएटेड होता है विद पी ओ न यानी ऑक्सीजन का वैल्यू को ऑफ जीरो टू ठीक है तो अगर पीओ का वैल्यू जो है जीरो है तो नन परसेप्टिवल ऑर्डर होगा वन है तो वेरी फेंट ऑर्डर टू है तो फेंट ऑर्डर तीन है तो डिस्टिंक्ट ऑर्डर फोर है तो स्ट्रांग ऑर्डर और फाइव है तो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर जो है आपका गंध आएगा टेम्परेचर के बारे में अगर बात किया जाए तो एन इंक्रीज इन टेन डिग्री सेल्सियस डबल द बायोलॉजिकल एक्टिविटी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होता है डबल हो जाता है टेम्परेचर शुड बी इन रेंज ऑफ टेन टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड लार्जर डैन ट्वेंटी फ़ाइव डिग्री सेल्सियस इज़ ऑब्जेक्शनेबल अगर पच्चीस डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर पानी का टेम्परेचर हो जाता है वाटर का टेम्परेचर हो जाता है तो वो जो है हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा बात किया जाए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की तो टोटल डिजॉल्व सॉलिड यानी टी ये जनरली uh, मेड uh, होता है बाई डिटरमाइनिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन म्यू मोह पर सेंटीमीटर एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस इन टू पॉइंट सिक्स फाइव इज इक्वल टू डिज़ोल्व सॉलिड कंटेंट इन पी पी एम जो सोर्स होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स का मेजर सोर्स सोडियम कैल्शियम मैग्नेशियम एच सी ओ थ्री माइनस ओ एस ओ फोर टू माइनस आयन माइनर सोर्स होता है आपका आयरन पोटेशियम, आपका हो गया सी ओ थ्री टू माइनस ओ एन ओ थ्री माइनस फ्लोराइड ब्रोमीन सिलिका ये होता है एक्सेप्टेबल लिमिट अगर टी की टोटल डिजॉल्व सॉलिड की बात किया जाए तो 500 सौ होता है और कॉर्ज ऑफ रिजेक्शन जो है 2000 होता है अल्काटी ये क्वांटिटी होता है आयन का इन वाटर डेट रिएक्ट विद डेट रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है ये रिएक्ट करता है जो कॉमन कंस्टिचुनस होते हैं अल्काटी का वो ओ एच माइनस सी ओ थ्री टू माइनस एच सी ओ थ्री माइनस ओ एच माइनस इज कॉस्टिक एल्निटी जो कि सी ओ थ्री टू माइनस इज़ कार्बोनेट एल्किनिटी होता है एच सी ओ थ्री माइनस इज बाई कार्बोनेट एल्कलिनिटी होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करता है सी एच टू सी ओ थ्री एच टू सी ओ थ्री फॉर्म करता है आपका एच प्लस प्लस एच सी ओ थ्री माइनस एच सी ओ थ्री माइनस फॉर्म करेगा एच प्लस एंड सी ओ थ्री टू माइनस सी ओ थ्री टू माइनस प्लस एच टू ओ फॉर्म करता है एच सी ओ थ्री प्लस ओ एच माइनस इफ एलगी इज प्रेजेंट अगर एलगी जो है प्रेजेंट है वाटर में तो वाटर बिकम्स अल्कलाइन वाटर क्या हो जाता है अल्कलाइन हो जाता है और वहाँ पे जो पी वैल्यू होता है उसका है ना जो पी वैल्यू होता है वो नौ से दस हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू एच टू सी ओ थ्री तो कैल्शियम टू प्लस प्लस सी ओ थ्री टू माइनस फॉर्म करता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि पीपीटी के फॉर्म में जमा हो जाता है पीपीटी पी इंस्कंस इनक्रस्टेश मैंने पाइप में क्या होता है कि उसमें जम जाता है और उससे जो है प्रॉब्लम क्रिएट होगा है ना ऑबियसली जमेगा तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगा क्योंकि पाइप जो है ब्लॉक हो जाएगा वहाँ पे एल्कलिनिटी मेजरमेंट इज आर डन बाई टाइट्रेटिंग द वाटर विद एन एसिड इट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पी पी एम एज सी ए सीओ थ्री है ना सी ए सी ओ थ्री के फॉर्म में इसको जो है क्या करते हैं लेकर चलते हैं पैरामीटर्स एंड इक्विपमेंट यूज बात किया जाए फिल्ट्रेबल सॉलिड के लिए तो वन माइक्रोमीटर ग्लास फाइबर सेटलेबल सॉलिड के लिए वन मी इमोफकोन वोला वोलेटाइल सॉलिड के लिए मफल फर्नेस टर्बिडिटी के लिए जैक्सन टर्विडिटी टेस्ट एंड ऑर्डर के लिए ऑस्मोस्कोप टोटल रिजॉल्ट सॉलिड के लिए डायोनिक टेस्टर पीएच वैल्यूज़ के लिए पोटेंशियोमीटर और क्लोराइड्स के लिए मोहर्स आर्जेंटोमेट्रिक मेथड और कलर के लिए टिंटो मीटर बात किया जाए पीएच की तो पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग टेन हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन इज इन मोल पर लीटर एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस कितना पे ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पर जो पीएच होता है वो मेजर किया जाता है पोटेंशियोमीटर की मदद से ग्राउंड वाटर है पीएच वैल्यू सिक्स पॉइंट फाइव टू एट पॉइंट फाइव ग्राउंड वाटर इज कंसीडर एज सॉफ्ट इट कंटेंट जीरो टू सिक्सटी पीपीएम हार्डनेस सिक्स पॉइंट फाइव टू एट पॉइंट फाइव इज एक्सेप्टेबल लिमिट फोर अकॉर्डिंग टू आई एस दस हज़ार पाँच सौ दो हज़ार बारह के अनुसार लेस देन अगर बात किया जाए सिक्स पॉइंट फाइव और ग्रेटर देन नाइन पॉइंट टू है तो कॉज ऑफ रिजेक्शन जो है आपका होगा मिथाइल ऑरेंज इज़ एन एसिडिक इंडिकेटर जो कि रेंज होता है टू पॉइंट एट से फोर पॉइंट फोर तक फिनोक्लिन जो है बेसिक इंडिकेटर होता है जिसका रेंज जो है एट पॉइंट सिक्स से टेन पॉइंट थ्री तक होता है एसिडिक वाटर काउज करता है कोरोजन को और अल्कलाइन वाटर काउज करता है इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप का हार्डनेस हार्डनेस जो है मेजर किया जाता है आपका फोटोमेट्रिक टेक्निक की मदद से ये जो हार्डनेस uh, होता है वो कंसनट्रेशन होता है मल्टी वैलेंट मेटेलिक कटाइंस इन सॉल्यूशंस का इट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस एच सी ओ थ्री माइनस एंड ओ एंड सी ओ थ्री टू माइनस ऑफ कैल्शियम एंड मैगनीशियम कैन काउज कार्बोनेट हार्डनेस इसी को जो है टेम्प्री हार्डनेस भी कहते हैं कैल्शियम हार्डनेस डज नॉट काउज एनी हेल्थ प्रॉब्लम सल्फेट और क्लोराइड एंड नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नेशियम गिव्स परमानेंट हार्डनेस क्या करता है परमानेंट हार्डनेस को देता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज नन कार्बोनेट हार्डनेस है ना इसको नन कार्बोनेट हार्डनेस के नाम से भी जानते हैं परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव बाय सिंपल बॉयलिंग सिंपल बॉइलिंग से ये रिमूव नहीं होता है इट रिक्वायर सॉफ्टनिंग टेक्निक ये रिक्वायर होता है इसके लिए आपका सॉफ्टनिंग टेक्निक का इफ़ कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन इज नोन एन मिलीग्राम पर लीटर टोटल हार्डनेस वुड भी इक्वल टू तो जो टोटल हार्डनेस होगा वो आपका इक्वल हो जाता है किसके इक्वल होता है तो टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू एम जी टू प्लस कंसनट्रेशन बाई इक्वेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम आयन गुने इक्वेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन डिवाइडेड बाई इक्वेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम आयन गुने इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो टोटल हार्डनेस आ गया सी प्लस सी ए टू प्लस इंटू पचास वटा बीस प्लस एम जी टू प्लस इंटू पचास वटा बारह ये टोटल हार्डनेस निकालने का फॉर्मूला हो गया तो so, यहाँ पे जो है तीन मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से टोटल हार्डनेस वाटर का कैलकुलेट करते हैं जिसमें पहला है क्लार्क मेथड क्लर्क मेथड जो है ये बेस्ड होता है हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस के ऊपर जो कि रिएक्ट करता है विद सोप और फॉर्म करता है इन सोलिबल कंपाउंड्स को बिफोर लेदर इज प्रोड्यूस्ड सो टोटल हार्डनेस इज फाउंड बाय डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड स्वेप सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू कंटेन परमानेंट लेदर विद वाटर सैंपल इज नोन वॉल्यूम विद कॉन्स्टेंट सेकें इट हैज़ बिकम ऑफ्स लेट हैनर्स मेथड ये डिटरमाइन करता है आपका परमानेंट हार्डनेस को और स्टैंडर्ड जो सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशंस होता है वो ऐड किया जाता है टू द वाटर सैंपल एंड एवेपोरेट टू ड्राइनेस तो जो अमाउंट होगा सोडियम कार्बोनेट का इन एक्सेस ओवर डैट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सल्फेट्स और क्लोराइड्स इंटू कार्बोनेट गिवस परमानेंट हार्डनेस इन दिस मेथड जो टेम्पररी हार्डनेस होता है वो डिटरमाइन किया जाता है टाइट्रेशन विद अस्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर वर्सनेट मेथड इस मेथड में जो हार्डनेस होता है वो डिटरमाइन किया जाता है बाई टाइट्रेटिंग अगेंस्ट इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड ई डी टी ए और जो सॉल्यूशंस होता है यूजिंग क्रोम में ब्लैक टी यानी ई बी टी एज इंडिकेटर एट पी एच एट पॉइंट फाइव टू इलेवन ई बी टी जो है ये फॉर्म करता है रेड कलर को और टाइट्रेशन चेंजेस कलर टू ब्लू है ना कलर टू ब्लू जो है चेंज कर देता है ये रेड कलर को ब्लू में एक्सेस हार्डनेस इज ऑब्जेक्शनेबल बिकॉज ग्रेट डील ऑफ स्वेप इज रिक्वायर्ड फॉर बासिंग क्लोथ इनक्रस्टेशन और कोरोजन ऑफ पाइप लाइन्स एंड प्लम्बिंग फिक्चर्स स्केल इज फॉर्म्ड इन वॉयलर्स एंड नोट वाटर हीटिंग सिस्टम और कोई वाटर हीटिंग सिस्टम नहीं होता है अल्कलीटी एंड हार्डनेस जो एक्सेप्टेबल लिमिट होता है टोटल हार्डनेस का 200 सौ होता है और काउ ऑफ़ रिजेक्शन जो है 600 सौ होता है वन डिग्री ऑफ हार्डनेस जो है वो इक्विवेलेंट होता है 14.25 पॉइंट के और जो एक्सेप्टेबल हार्डनेस होता है वाटर का फॉर डोमेस्टिक यूज 200 सौ हार्डनेस ऑफ सी वाटर जो है 6630 हजार और सोडियम केटायन गिवस स्यूडो हार्डनेस ऑफ टू वाटर जो हार्डनेस ऑफ वॉयलर होता है वो फीड वाटर होता है शुड नॉट बी एक्सीड फिफ्टी पी पी एम जो कि पचास पी पी एम को एक् से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता है क्लोराइड कंटेंट क्लोराइड कंटेंट जो है ये एस्टिमेट किया जाता है बाय मोहर्स मेथड की मदद से जिसमें रॉ वाटर जो है टाइट्रेटेड किया जाता है विद अस्टैंडर्ड ए जी एन ओ थ्री सोल्यूशन के साथ और उसमें uh, के टू सी आर ओ फोर एज ए इंडिकेटर के तौर पे जो है हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं जो प्रिस्क्राइब लिमिट है वो 250 सौ पचास पी पी एम फॉर ड्रिंकिंग वाटर और सीवेज वाटर के लिए 120 सौ बीस पी पी एम और रिजेक्शनेबल जो है 1000 हज़ार पी पी एम आपका होता है नाइट्रोजन कंटेंट ये इंडिकेट करता है प्रजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्री अमोनिया जो इंडिकेट करता है रिसेंट पॉल्यूशन को ऑर्गेनिक अमोनिया जो कि अल्बूमिन होता है ये इंडिकेट करता है क्वांटिटी ऑफ नाइट्रोजन बिफोर डिकम्पोजिशन हैज़ स्टार्टेड नाइट्राइट ये इंडिकेट करता है पार्टली डिकम्पोज कंडीशन को नाइट्रेट ये इंडिकेट करता है ओल्ड पॉल्यूशन यानी फुल्ली ऑक्सीडाइज को फ्री अमोनिया शुड नॉट बी मोर देन पॉइंट वन फाइव पी पी एम है ना जो फ्री अमोनिया होता है वो पॉइंट वन फाइव पी पी एम से ज़्यादा नहीं होता है और ऑर्गेनिक अमोनिया जो होता है वो पॉइंट थ्री पी पी एम से ज़्यादा नहीं होता है फ्री अमोनिया ऑर्गेनिक अमोनिया जो है मिला कर कैजेडल नाइट्रोजन अमोनिया बनता है नाइट्रोजन इज़ नॉट हार्मफुल नाइट्रोजन जो है हार्मफुल नहीं होता है एज़ इट इज़ फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड बट टू मच ऑफ नाइट्रोजन अफेक्ट इन फैंट्स मतलब बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है तो बच्चे जो हैं उनको जो है ये क्या करता है ज़्यादा अफेक्ट जो है करता है बिकॉज इट काउ ब्लू बेबीस इन ड्रोम डिजीज और मिथैमोग्लोबिन ग्लोबी नेमिया जो है देखने को मिलता है बच्चों में नाइट्रेट कंसनट्रेशन शुड नॉट बी मोर दैन फोर्टी फाइव पी पी एम एंड नाइट्राइड परमिशल लिमिट जो है जीरो होता है फ्लोराइड्स फ्लोराइड fluoride जो है हेल्प करता है टू प्रिवेंट डेंटल कैविटी अप टू वन पी पी एम और जो एक्सेस वैल्यू होता है ग्रेटर दैन वन पॉइंट फाइव टू टू पी पी एम रिजल्ट इन डी कलोराइजेशन ऑफ तीथ है ना डी क्लोरासन जो है होता है तीत का जो कि मोल्टिंग ऑफ तीथ हो जाता है जो कि जनरली बच्चों को अफेक्ट करता है डल को अफेक्ट नहीं करता है मेटल कैल्शियम सोडियम पोटेशियम, आयरन मैग्नीज, जिंक और नॉन टॉक्सिक मेटल्स अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो एज्यूम्ड लिमिट होता है अर्सेनिक का इन ड्रिंकिंग वाटर वो पॉइंट जीरो वन पी पी एम होता है आर्सेनिक बेरियम कैडमियम क्रोमियम साइनाइड लीड मरकरी जो है टॉक्सिक मेटल्स होता है एलिमेंट एक्ट एज न्यूट्रोटॉक्सिन जो कि एल्मीनियम होता है मैग्नीज़ होता है गोल्ड uh, होता है आपका लीड होता है है ना डिजॉल्व गैस uh, CO2 टू बायोलॉजिकल एक्टिविटी गिव्स बैड टेस्ट वाटर विकम्स कोरोजिव सी एच फोर यानी मिथेन एक्सप्लोसिव टेंडेंसी होता है और सी टू एस जो होता है बैड टेस्ट होता है और ऑर्डर भी इसका जो है ख़राब ही होता है टू डिटरमाइन ऑक्सीजन डिफिशियंसी ऑफ वाटर टेन प्रतिशत सोल्यूशन जो होता है के एम एन ओ फोर वो एक्सपोज होता है आपका ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस पे आ, फोर फोर आवर्स के लिए कितने के लिए चार घंटे के लिए तो जो अमाउंट होता है ऑक्सीजन डिजॉल्व का वो डिटरमाइन किया जाता है ऑर्गेनिक्स ऑर्गेनिक्स आर क्लासिफाइड एज बायो डिग्रेडेबल एंड नॉन बायो डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स बायो डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रिएक्शन और रिएक्शन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एरोबिक रिएक्शन जो है आपका होता है तो जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाता है ड्यूरिंग माइक्रोबियल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक्स उसको बी ओ डी यानी बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं बी ओ डी ऑफ ट्रीटेड यानी पोर्टेबल वाटर जो होता है उसका जीरो होता है और बी ओ डी आफ्टर फाइव डेज एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस वहाँ उसको जो, जो है स्टैंडर्ड बी ओ डी लेकर चलते हैं जो बी ओ डी फाइव होता है वो इक्वल टू होता है इनिशियल डिजोल्व ऑक्सीजन माइनस फाइनल डिजोल्व ऑक्सीजन डायल्यूसन फैक्टर डायल्यूशन फैक्टर जो है ये फार्मूला होता है आपका फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सैंपल वॉल्यूम नॉन बायोडिग्रेडेबल दीज ऑर्गेनिक्स डिकम्पोज स्लोली धीरे धीरे जो है डिकम्पोज करता है द मेजरमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स आर डन बाई सी और टी ओ सी सी और टी ओ सी से जो है आपका होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स होता है सी ओ डी माइनस बी ओ डी यू बी ओ डी यू जो है अल्टीमेट बी या आपका होता है बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स बैक्टीरिया कोली यानी बी कोली एंड इरिशिया कोली यानी ई कोली आर टेस्टेड ये जो टेस्ट होता है परफॉर्म किया जाता है ब्रेनस फिल्टर टेक्निक पी एन एम पी एन टेस्ट यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर और कैलिफॉर्म इंडेक्स बात किया जाए पी एम पी एन जो लिमिट होता है वन पर हंड्रेड एम एल मेजरमेंट जो है मल्टी ट्यूब फॉर्मेंटेशन इंडिकेटर जो है लैक्टोज ब्रोथ होता है और ट्रीटमेंट जो है यू वी मेथड और बॉयलिंग होता है कॉलीफॉर्म इंडेक्स जो होता है ये डिफाइन किया जाता है रेसिप्रोकल ऑफ अ स्मॉलेस्ट क्वान्टिटी ऑफ सैंपल विच विल गिव वन पॉजिटिव बी कोली टेस्ट और एम पी एन और बी कोली जो है इंडेक्स वो नाव ओल्ड मतलब पुराना हो गया है जो वाटर बॉर्न डिजीज है बैक्टीरिया जो कि टाइफाइड फीवर कोलेरा आ, बैसिलरी डाइसेंट्री होता है प्रोटोजोआ से एमिक डाइसेंट्री होता है वायरसेस जॉन्डिस पोलियोमाई लिटिस इन्फेक्टियस न्यूसेंस बैक्टीरिया आयरन बैक्टीरिया सल्फर बैक्टीरिया ये सभी जो है वाटर बॉन डिजीज आपका इसके कारण से होता है उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशंस था है ना इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का ये आपको जो है समझ में आया हो बाकी और अगर कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं इसी तरीके का और भी वीडियोज़ आपको मिलता रहेगा थैंक यू